हेलो फूडीज, वेलकम टू फूड हब। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक की कढ़ी। ये बहुत ही इजी और हेल्दी रेसिपी है, तो चलिए हम बनाना सीखते हैं अब हम पालक की कढ़ी। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप दही। 2 कप दही में हमने 2 कप पानी मिला दिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे सारे मसाले। आधा टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची, 1 टेबलस्पून इसमें बेसन देंगे। इसमें को अच्छे से मिक्स करेंगे विक्स की मदद से। एक बार अच्छे से मिल जाए उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसे मिक्स कर देंगे, इसे रखेंगे साइड में। एक पैन गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और इसे अच्छे से गरम होने देंगे। छौंकन के लिए हमें लिया है 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून दाना मेथी, 1/4 टीस्पून राय और 1/4 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून हींग। तेल गर्म हो चुका है, इसमें ऐड करेंगे हम दाना मेथी, अजवाइन, जीरा, राय और हींग भी ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। छौंकन अच्छे से आ गया है। इसमें हम 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, इसे कलर बहुत अच्छा आता है। हमने 1 टेबल स्पून मूंग दाल भिंगो के रखा था 1 घंटे के लिए, इसे हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। दो से तीन मिनट तक इसे मिक्स करेंगे। एक बार ये पक जाए इसके बाद में हमने जो दही का मिक्सचर बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे। ऐसे कंटिन्यूसली हम मिलाएंगे जिससे फटे ना हो। जब तक उबाली नहीं आती है हम कंटिन्यूसली इसे मिलाएंगे। अच्छे से इसमें उकाली आ गई है। 200 ग्राम पालक धो के काट के रखा हुआ है, इसमें हम मिलाएंगे। अब इसे मिक्स कर देंगे। और इसे लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक हम इसे बॉईल करेंगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं इसे उकलते हुए, काफी गाढ़ा पड़ चुका है ये। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल के इसे बंद करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद में हम प्लेटिंग करेंगे इसकी। पालक की कढ़ी रेडी है, इसे गार्निश करेंगे हम थोड़ा धनिया पत्ती के संग में और ये रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।